दाता का इकबाल बुलंद हो। अब आपकी तबीयत कैसी है दाता? राज्य वैद्य ने क्या कहा था? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए दाता। हमने अपना हाल जानने के लिए आपको नहीं बुलाया है, हमने किसी और वजह से आपको बुलाया है। जी फरमाइए। क्या ये सच है कि इन बालकों के दोस्तों को आपने कैद कर रखा है? नहीं दाता, हमने कुछ नहीं किया। दाता हमने कुछ नहीं किया। मामाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मामाजी इन सारे झगड़ों की जड़ आप हैं। दादा मैंने कुछ भी नहीं किया। मामाजी हमें पता चला है कि आप जादुई कलम से काल पुस्तक में इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बुड्ढे को कैसे पता लग गया? अब क्या किया जाए? मामा जी जवाब दो, हमने कुछ पूछा है आपसे? मामा जी राय सिंह जी आपने बच्चों को क्यों कैद किया? जवाब दो। जी जी महान दादा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया महान दादा। अब मैं अंकल की सरप्राइज पार्टी का क्या करूं? मुझे संजू को मूवी खत्म होने से पहले वापस लाना पड़ेगा। यस, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। हमारा एक घंटा उनके एक दिन के बराबर है, फिर भी टाइम नहीं है। मुझे संजू से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यस, मुझे ये भी तो बताना है कि लाइब्रेरी बुक में उसकी फोटो है। सही कह रहे हो खचकरण, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अरे खचकरण नहीं बॉस, करण करण। एक ही बात है करण करण, क्योंकि अब तुम बहुत जल्दी हमारे कब्जे में आने वाले हो। तुम्हारा बुरा टाइम अब शुरू होने वाला है। यस, कम ऑन फॉलो मी। यस दाता, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहो दाता। ये सच है कि उन बच्चों को हमने ही कैद कर रखा है। आखिर क्यों आपने ऐसे मासूम बच्चों को कैद करने की हिम्मत कैसे की? आपको बचाने के लिए, राज सिंघौर को बचाने के लिए दाता, अपने राज्य को बचाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। क्या मतलब है आपका? दाता ये बच्चे दूसरी दुनिया से आए हैं और हम सबका सफाया करके खुद अपनी नई दुनिया यहां बसाना चाहते हैं। दाता नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं दाता, मैं राज सिंघौर को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए इन बच्चों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं दाता, इन पर यकीन मत कीजिएगा, इसमें भी जरूर इनकी कोई चाल होगी। दाता आपने जब के साथ न्याय किया है, आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। दाता जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जाय रानी के कानों के लिए नहीं है। बेटी जाय, धनी गुलाब सुनो, राय सिंघौर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पता नहीं मामा जी दाता से क्या कह रहे हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है। इसमें घबराने की क्या बात है जायरानी, दाता तो पूरा राज्य देखते हैं, एक मामा जी उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि मामा जी दाता के कान भर रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें बाहर निकाला। इसका मतलब आप दाता को नहीं जानते। दाता अस्वस्थ हैं लेकिन उनका दिमाग और उनकी जमजबूत जब से बेहतर है। वे जो भी करेंगे जाप की भलाई के लिए करेंगे। इसी बात का तो डर है हमें कि वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, सबको कहने का मौका देते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो उनका बुरा सोचते हैं। धनी गुलाब, हम चाहते हैं आप दोनों हमारी मदद करें। आप दोनों वहां पर जाइए और पता कीजिए कि उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं। दाता
आपने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राय सिंगौर के दाता के यहाँ सबको न्याय मिलता है। आपका शुक्रिया दाता। उन बच्चों को कैद करने का मेरा एक ही मकसद है, वरना उन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। दाता वो बच्चे जितने मासूम और भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। दाता वो बच्चे बच्चे नहीं, शैतान के द्वारा भेजे गए उनके दूत हैं। उनमें से एक ने तो जायरानी को अपने काले जादू से पूरी तरह वश में किया हुआ है। जायरानी वही करती हैं जो लड़का कहता है। दाता क्या आप जानना चाहेंगे कि बच्चों के वेश में वो शैतान कौन है? वो लड़का। बॉस अपुन की बात तो सुनो, अपुन के पास ना बॉस एकदम सॉलिड आइडिया है। बको। बॉस वो जो करण है ना करण, उसको अपुन क्या बोलता है उसको हमेशा के लिए सुला डालते। अरे उसको सुलाने से हमें क्या फायदा? अरे बॉस वो सोना वाला सुलाना नहीं, सुलाना सुलाना। You mean टपका डालते? Yes! तुम अकल से मोटे हो, दिमाग से तो पैदल ही हो। बॉस जो भी है आप पर गए, और रही दिमाग से पैदल होने की बात, तो मेरे पास तो बाइक है। बाइक बाइक। सुन मेरे बाप, मेरे मोटे, तुम आगे का कोई प्लान नहीं बनाओगे, आगे का प्लान मैं बनाऊंगा, समझ गए? जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम करोगे, समझ गए? तुम करण को फॉलो करोगे, आई मीन कम ऑन फॉलो मी। अजीब आदमी है हमारा बॉस भी, कभी कहता है करण को फॉलो करो, कभी कहता है कि अपुन को फॉलो करो, किसको फॉलो करो? दाता मैं किसी शैतान या किसी जादूगर का दूत नहीं हूं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। दाता ये लड़का काल पुस्तक का इतिहास बदलकर राय सिंगौर की गद्दी पे राज करना चाहता है। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों राय सिंह जी महान? मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महान दाता, इन्होंने जायरानी को अपने वश में कर रखा है, ये जादूगर हैं, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप महान दाता हैं, और आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये जायरानी के द्वारा आपको भी अपने वश में करना चाहते हैं। इनकी बातों में ना जाए महान दाता, ये बहुत ही खतरनाक जादूगर है। नहीं नहीं दाता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, और मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, मेरा मतलब है भविष्य से आया हूँ, 200 साल पीछे, बिलीव मी। देखा देखा दाता आपने, ये एक साथ कितने मंत्र पढ़ता है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, ये बोलता है पुचर बलेब सकोल, पता नहीं क्या क्या बोलता है दाता। महान दाता अगर ये जादूगर नहीं है तो ये ऐसी भाषा कैसे जानता है, और अगर ये आम पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो ये 200 साल पीछे कैसे आ सकता है? दाता दाता ये मेरे जादू पेंसिल मतलब मेरे कलम के पीछे पड़े, और उस कलम से मैं जो भी बनाता हूँ वो सच होकर मेरे सामने आ जाता है। देखा दाता, एक तरफ तो ये खुद अपनी जादुई कहानियां सुनाता है, और दूसरी तरफ कहता है कि ये जादूगर नहीं है। दाता मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी भोली सूरत पर ना जाएं, इसकी भोली सूरत के पीछे एक बहुत बड़ा शैतानी दिमाग है, और इस वक्त ये आपकी आंखों पर पर्दा डालना चाहता है अपने काले जादू से। सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ। चक्कू रेडी? देखो चक्कू और मैं रितु का दोनों हाथ कस के पकड़ेंगे, और संजना रितु के गले से उसका नेकलेस निकालेगी। ओके ओके चलो। वन टू थ्री रेडी। उसने वो नेकलेस पहना ही क्यों? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये बच्चे कोई जादूगर हैं, लेकिन मामा जी की बात भी अपनी जगह ठीक लग रही है।
सिपाहियों, उन जब बच्चों को फौरन हमारे दरबार में हाजिर किया जाए, अभी इसी वक्त। हम खुद पता लगाएंगे कि वे बच्चे जादूगर हैं या नहीं। अगर वे बच्चे जादूगर हैं तो हम खुद उन्हें मौत की सजा देंगे। हम आपकी मदद करेंगे जहरानी, घबराइए मत। हम सब चाहते हैं कि राय सिंगोर के सिंहासन पर आप ही बैठें। बस आप मामा जी और राय सिंह की मान से सावधान रहिए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है धनी गुलाब, हम क्या करें? चिंता मत कीजिए, हमने आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया है। ये लीजिए, ये है जादुई घंटी, जब भी आपको खतरा महसूस हो इसे बजा दीजिए, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। लेकिन इसमें तो कोई आवाज ही नहीं है। ये जादुई घंटी है, इसकी आवाज सिर्फ हमें ही सुनाई देती है। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें दरबार में जाके देखना है कि मामा जी और राय सिंह जी दाता से क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, जाइए। संजू, तुम कहाँ थे? संजू, संजू, तुम्हें पता है ऋतु को कुछ हो गया है। ऋतु? बच्चों, हमें खबर मिली है कि तुम लोग मामूली बच्चे नहीं हो, बल्कि शैतान जादूगर हो और हमारी जायरानी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। बोलो, क्या तुम्हें अपने जवाब में कुछ कहना है? दाता, हम जादूगर नहीं है। हाँ, हम तो घर जा रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गए। अगर हम कोई जादूगर होते हम लोग डिज्नीलैंड या फिर फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाते, यहाँ कौन आता 200 साल पीछे। क्या दाता, हमारा यकीन कीजिए, हम सब भोले भाले बच्चे, कोई जादूगर नहीं है। दादा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक जादूगर है और आपको अपनी मीठी बातों में फंसाना चाहते हैं। दादा, दादा झूठे हम नहीं, ये है और ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ कई दिन बीत गए, हमारे पेरेंट्स को माता पिता को हमारी बहुत चिंता हो रही होगी। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, अगर मैं अपने घर पे होता तो कितना मजा कर रहा होता। हम सब लोग खेलते थे, पढ़ाई करते थे, पार्टी करते थे, यहाँ तो ढंग का खाना भी नहीं मिलता। हम घर पर कितना अच्छा खाना खाते थे, खेलते थे, कूदते थे। आसमान, ये सब क्या हो रहा है हमारे महल में? हमें इन दुष्टों से बचाइए आसमान, हमारे दाता को मामा जी के चंगुल से छुड़ा दीजिए। कौन है? मैं हूँ हिंगोर, दाता का संदेश लाया हूँ। दाता आपको दरबार में बुला रहे हैं जायरानी, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है? हम अभी आते हैं। मुसीबत में, मुझे वहां जाना होगा। संजू, संजू मेरी आवाज सुनो। संजू, संजू मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि तेरी आवाज सिर्फ हम सुन सकते हैं। अबे अकेले, तुझे खिलाए हमने कितने केले, तब भी तू खड़ा या अकेले?
एनीवे जल्दी बता, तेरा संजू का है? पता बता, वरना ये नाली है ना, तेरे नाक की नाली में डाल दूंगा। बोल जल्दी बोल। टाइगर, टाइगर मुझे नहीं पता कि संजू का है। नहीं पता? इसे नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। देखिएगा हम लोगों को यहाँ देख के बच्चे कितने खुश होंगे। वो तो यही समझते हैं कि हम उनको डांटते हैं मैनर सिखाने के लिए, लेकिन उनके साथ एंजॉय करने के लिए नहीं। और आज हम उनको गलत साबित कर देंगे ये सरप्राइज देके। अरे बिल्कुल सही बात बोली राज भाई, वरना आप उनके बच्चे लोग को हमेशा उन लोग से शिकायत रहती है कि आप उनके माँ बाप उन लोग को कहीं नहीं लेके जाते। काय को? एकदम ठीक बोलता है शरद दादा। अरे जानता है आज हम सब लोगों का बच्चा लोग हमको यहाँ देख के कितना खुश हो जाएगा, है ना? कांग्रेचुलेट तो हमें मिस्टर राज का करना चाहिए कि वो चेन्नई छोड़ के हमारे साथ है, हमारे बीच। राइट, बेचारा संजू तो बहुत ही अपसेट था, उसके सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे। अगर इतने अच्छे दोस्त कहाँ बन पाते हैं। अरे हाँ उमा, आप लोग यहाँ से जाने वाले, ये खबर सुन के तो हमको बहुत टेंशन हो गया था। चलो चांगला झाला हाँ कि तुमचा प्रोग्राम कैंसिल झाला। हम लोग रोज मिले या ना मिले, एक चीज तो पक्की है, जब हमारे पर मुसीबत आएगी हमारे दोस्त हमारे लिए हमेशा है। लता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक्चुअली जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, हम सब एक फैमिली की तरह हो गए हैं ना। और नहीं तो क्या। लेकिन ये सब बातें सोचने से अब क्या फायदा, बात तो ये है कि हम सब एक बार फिर से साथ में हैं। अब सिर्फ इंतजार है तो चॉकलेट चिप्स और टॉफियों का। दाता ये झूठ बोल रहे हैं और आपको अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दाता दाता झूठे हम नहीं, ये है और ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। दाता इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें, ये आपको भी अपने काले जादू से वश में करना चाहते हैं। हमें जाने दो अंदर। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, हमें दाता से मिलना है। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। ये बहुत शोर कैसा हो रहा है, सिपाहियों जाओ पता करो। घोर षड्यंत्र दाता, घोर षड्यंत्र, आप तो धोखेबाज जादूगरों के बीच घिरे हुए हैं, ये तो धनी और गुलाब है। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, हमें जरूरी काम है। नहीं 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 जा सकते आप। आप लोग क्यों शोर कर रहे हो यहाँ पे, हमें दाता से मिलना है। चलो राजा ने बुलाया है, चलो चलो चलो। ये दोनों यहाँ छुपकर सारी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों यहाँ वापस क्यों आए, क्या तुम हमारा आदेश भूल गए? हमने तुम दोनों को हमारे राज्य से निकाल दिया था। जी दाता हम जानते हैं, लेकिन जायरानी के कहने पर हमें यहाँ आना पड़ा। जारी बात आपके सामने है दाता, मैंने कहा था ना जायरानी पूरी तरह काले जादू के वश में है, अब जायरानी को काले जादू से आप ही बचा सकते हैं। ओह नो, इस अजीब सी जगह में यही तो हमारी मदद करते थे, अब क्या होगा, इन्होंने तो धनी और गुलाब को भी पकड़ लिया है। इसका मतलब हम लोग कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब हम लोग कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।